आपके घर आंगन से, आपके अपनों का हाल, गांव की बातें। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। आपके अपनों का हाल लेकर हम हाजिर हुए हैं और आपके घर और आंगन की जो खबरें होती हैं उसको हम हर बार लाते हैं ताकि आपको लगे कि वाकई मुंबई में हो, दिल्ली में हो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, आप अगर आप लेमन न्यूज़ देखते हैं तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए सीधा पहुँचते हैं अपने गाँव पर। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन यादों को या उन खबरों को का जो भी सफर है उसको आपके साथ साक्षी बनाकर बढ़ाते हैं गाड़ी जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना टाइम खोटा किए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी धनाधन आगे बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के अलग अलग स्टेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले लगाए जा रहे कयासों के बाद अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं। किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दिखी तो किसी के चेहरे पर हार का गम, यानी कहीं खुशी कहीं गम। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि सपा के कई दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कितनी बड़ी बात है। तो वहीं सपा समर्थित कई प्रत्याशियों ने जीत भी हासिल की लेकिन संख्या कम रही। संत कबीर नगर में भी मतगणना के बाद कई प्रत्याशियों के चेहरे खिले दिखे तो किसी के चेहरे पर हार की शिकन भी साफ देखी गई। लेकिन संत कबीर नगर में बाहुबलियों को पूरी ताकत के साथ देखा गया और उनके अंदर जो जोश था वो भी बखूबी नजर आया। इसको मैं चूंकि लोकसभा का चुनाव हारा हूं और इस जिले में चुनाव एमपी जीतने के लिए मैंने बड़ी मेहनत किया और मेरा बहुत लंबा सपना था। मैंने इस जिले में बहुत से काम किए, चाहे जिला हो, चाहे मुंसिपी हो, चाहे जनजी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मैंने ओवरब्रिज हो, चाहे सौ सौ करोड़ की सड़कें हो, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं चुनाव हार गया, उसी नाते जो मेरा संकल्प और सपना था उसी कड़ी में मैं अपने बेटे प्रमोद यादव जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है और उसकी मेरी पुत्र बहु उषा यादव दोनों को लाया और मैं जनता से यही अपील भी किया कि मेरा जो सपना और संकल्प है उसको पूरा करने के लिए आप लोग मतदान करें। और जनता ने मेरी बात को सुना। जिला पंचायत एक बहुत बड़ी संस्था है, संस्था को काम करने की क्षमता, उस कार्यदायी संस्था को मैं उस संस्था से बहुत बड़ी योजना पास करके दी गई है। उसको भारत सरकार, प्रदेश सरकार को पैसा ला करके इस जिले में गरीबों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ने काम करेंगे, तमाम विकास काम करवाने काम करेंगे और तमाम गरीबों के मकान से लेकर तमाम व्यवस्था पेंशन तक सबको कराएंगे। तो अक्सर कहा जाता है चुनाव में जीत उसी की होती है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, धरातल की बात करें, जमीनी स्तर की बात करें तो जनता सिर्फ उसे ही मौका देती है जिसका कहीं ना कहीं से जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल अपना जैसा होता है। और यही कारण है कि सरकार में बैठे लोगों के रिश्तेदारों को भी जब जनता ने छक्के छुड़ा दिए उसका मतलब साफ है कि आप सरकार को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आज भी अपने आप को पाते हैं। और यही कारण है कि आपने नया वैकल्पिक व्यवस्था चुनने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनके रिश्तेदारों ने भी चुनावी माहौल में अपना पूरा जो रुतबा होता है उसको खोने का काम किया है। जाहिर सी बात है जनता उनको नकार चुकी है और सच यही है कि अब आने वाले दिनों में इन नेताओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जब अगली बार मौका मिले तो उनका जो विश्वास है उसमें और भी ज़्यादा वजन देखने को मिले।
तो पॉलिटिक्स का जो चक्का होता है ना, कभी फिक्स नहीं होता है। घड़ी की जो सुई घूमती रहती है ना, टक 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 टक, जो भी आवाज होती है, उसी तरह से पॉलिटिक्स में जब भी चुनाव आता है तब जनता अपना फैसला सुनाती है और उसी समय के साथ चलती है जहां पर जनता का विश्वास भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। गोरखपुर में अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया ने अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी अगर हारी तो पटाखे पाकिस्तान से पहले शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहारी बाबू हैं और अरुण शौरी के घर फूटेंगे, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी हार जाए। देखिए, अमित शाह जी का ये कहना है कि अगर बीजेपी, अगर क्या, बीजेपी तो हार ही नहीं है। उनका कहना है कि हारने के बाद पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। हमारा कहना है कि पाकिस्तान दूर क्यों जा रहे हैं, पटाखे छूटेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के घर के ऊपर, अरुण शौरी के घर के ऊपर। इनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो चाहते हैं कि हम हारें वहां ताकि नरेंद्र मोदी को उनका असली स्तर पता लग जाए, और पटाखे छोड़ेंगे। जितना भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो पटाखे छोड़ेंगे, क्योंकि आज लड़ाई बिहार में कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। ये सांप्रदायिक ताकतों और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच की लड़ाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों की विजय होगी और महागठबंधन वहां विजयी होकर सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, धन्यवाद। किसानों की बदहाली से पूरा देश परिचित है, लेकिन कुछ कांड ऐसे हो जाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि यकीन नहीं होता। महोबा के थाना करबई के ग्राम गौहारी निवासी दलित किसान राम बहादुर पिछले 5 दिनों से लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे शिद्दत के साथ। इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली कि एक शव पेड़ से टंगा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की और पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। पेड़ के सहारे लटका शव संदिग्ध नजर आ रहा है। वहीं परिजन हत्या से इनकार कर रहे हैं। उनकी माने तो साहूकारों के कर्ज से वो किसान इतना परेशान था कि मत पूछिए। फसल भी अच्छी नहीं हुई, शायद इसी वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली है। जबकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मामला क्या है। बढ़ जाने के कारण खेती में कुछ फायदा नहीं हुआ, और घर में जवान बहनें हैं हमारी शादी वादी करने के लिए, और साहूकारों का कर्ज इतना बड़ा हुआ है कि उनसे नशा आ गया, जाकर आत्महत्या कर ली। उनके ऊपर कर्ज लगभग साहूकारों का 50,000 रुपए कर्ज था। अब जिसका लिए हैं तो आ जाए, कभी कब दे रहे हो, परेशान कर रहे हैं। तो किसानों की बदहाली खुद बयान करती है उनकी सच्चाई, क्योंकि इस देश में बड़ी बड़ी बातें होती है, सियासी चालें चली जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अच्छे दिन की बात की जाती है, उसके बावजूद आज की तारीख में भी अगर किसान आत्महत्या कर लेता है, ये तो जांच का विषय है कि अगर हम महोबा के किसान की बात करें कि उसने जान क्यों दी या फिर उसकी हत्या हुई या जो भी सच्चाई है वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन बाकी अगर हम किसानों की बात करें तो आज ये बिल्कुल सोचने वाली बात बन गई है, गंभीर समस्या बन गई है कि किसान आखिर खुश क्यों नहीं है। इसको हम अन्नदाता कहते हैं, लेकिन आज जिस तरह से इसकी उपेक्षा की जा रही है, अगर हम सुविधाओं की बात करें, इनके पास खेत है, जमीन है, लेकिन सुविधाओं का जो एक रोना होता है उसकी कमी लगातार महसूस की जाती है। चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के कई अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, तो जब किसान आत्महत्या करता है या उसकी लाश देखी जाती है तब बहुत दुख होता है समाज को, उन लोगों को जिनको कहीं ना कहीं से इस देश के विकास की चिंता होती है। इसी देश में कहा गया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज बेहाल है किसान। निश्चित रूप से सरकार को और इस समाज को किसान के लिए सोचना चाहिए, ताकि अन्नदाता जो है वो बहुत ही खुशी के जरिए अपना काम करे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे संस्कृत की, कि संस्कृत ने किस तरह से दुनिया को जोड़ने का काम किया है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि संस्कृत ने आज कई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बखूबी बनाई है, तो कैसे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सुबह आपके पास विकल्प होता है, चाय बनाएंगे या फिर कॉफी। कपड़े नीले या फिर सफेद, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मुझे चुननी होती है खबरें सिर्फ आपके मतलब की, जिसका होता है आपसे सीधा सरोकार। लेमन गुड मॉर्निंग शो मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपर हिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार, पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज देखें, खुश रहें, धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, आपके अपनों का हाल, आपके घर आंगन की खबरें। अब बात करेंगे अगली खबर की और बताएंगे संस्कृत कितनी महान भाषा है। प्रोफेसर पांडे दिल्ली के संस्कृत विद्यापीठ में कुलपति बनाए जाने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद जौनपुर पहुंचे। अपना गांव तो अपना ही होता है। इस दौरान प्रोफेसर पांडे ने कहा कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र आज न्यायालय में न्यायाधीश से लेकर प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। कितनी अच्छी बात है, आज के समय में संस्कृत के कई आयाम खुले हैं, यानी कई वैकल्पिक व्यवस्था है और वर्तमान केंद्र की सरकार संस्कृत को अपने गरिमामयी पद पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रोफेसर पांडे ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां संसाधनों की बेहद कमी के चलते संस्कृत की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाती और इसका मलाल सबको होता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दिल्ली में प्रतिष्ठित है। वह विश्वविद्यालय ऐसा है जहां देश भर के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। तो देश भर में जो संस्कृत विश्वविद्यालय अन्य हैं या महाविद्यालय हैं, वहां सब जगह ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुछ विद्यालय ऐसे जरूर हैं जहाँ संसाधनों की कमी है, जिसके कारण ये सब सुनाई पड़ता है या दिखाई पड़ता है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में संस्कृत के विकास के लिए भारत सरकार ने बहुत कुछ कार्य किया है, प्रांतीय सरकारों ने भी काफी कुछ काम किया है, और इस समय केंद्र में जो स्थापित सरकार है वह संस्कृत को अपने उस गरिमामय पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। केंद्रीय विद्यालयों में भी संस्कृत को पुनः, जहाँ पहले जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही थी संस्कृत के बदले, वहाँ पुनः संस्कृत को पढ़ाना यह उसी का एक अंग है। होता यह था कि जब विद्यालयों में संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ाई जाएगी तो विश्वविद्यालयों में संस्कृत के छात्र नहीं उपस्थित होते थे, नहीं आते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि संस्कृत को केवल अध्यापक बनने के लिए ही नहीं, विभिन्न प्रकार के आयामों में नौकरी मिल रही है। संस्कृत पढ़ने वाला न्यायालय में जाकर के न्यायाधीश भी बन रहा है, प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के उच्च पदों पर अधिकारी भी बन रहा है, जो संग्रहालय हैं वहाँ भी जा रहा है, जो आर्काइव्स हैं वहाँ भी जा रहा है। प्रकाशकों के यहाँ संस्कृत वालों की बहुत मांग है, क्योंकि शुद्ध प्रकाशन आज की एक बड़ी भारी समस्या है,
और पत्रकारिता के लिए भी संस्कृत का द्वार खुला हुआ है। इस तरह से संस्कृत के बहुत सारे नए नए आयाम खुल रहे हैं और सरकार उसके लिए स्रोत दे रही है, संसाधन दे रही है, अध्यापकों का विशेष प्रशिक्षण हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या संस्कृत के विकास में हो रही थी कि संस्कृत को संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है या प्रांतीय सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं वो अपने प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं। अभी संस्कृत आयोग ने, जो नया गठित हुआ आयोग, उसने ये निर्णय लिया है कि संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाए, तो जिससे संस्कृत का ज़्यादा विकास होगा। संस्कृत में सारा ज्ञान विज्ञान जो समाहित है, जिसको विदेशी विद्वान आकर्षित होकर के पढ़ते हैं, काम करते हैं, हमारे भारत में उस पर चर्चा नहीं होती है। तो भारत के वैज्ञानिकों को उस तरफ आकृष्ट किया जाए, उस पर शोध किया जाए, इस तरह के बहुत प्रकार के आयोजन सरकार कर रही है और संस्थाएं कर रही है। वाकई संस्कृति बहुत ही समृद्ध भाषा है और इससे हमारा जो ज्ञान है उसमें कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसीलिए कहा गया है, अगर हम गीता की बात करें, पश्यामि देवांस तब देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मण अमीशम कमल संस्था मिनिशिंचित नरवा शुरू गाथ दिव्यान। अब बात करेंगे अगली खबर की। आपने बच्चों को गुड्डे गुड़ियों और तरह तरह के खिलौनों से खेलते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके के कपारा गाँव में बच्चे सांपों से खेलते हुए बड़े होते हैं, मानो सांप ही इनका खिलौना है। यहाँ किसी छोटे बच्चे के गले में लिपटा हुआ सांप देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। घर में झाड़ू लगाते समय अगर सांप निकल आए तो किसी की चीख तक नहीं निकलती, किसी को परेशानी नहीं होती, ना कोई हैरान होता है। कई बार तो बहुत छोटे बच्चे अपने मुंह में सांप को डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ना तो सांप से बच्चों को कोई नुकसान होता है और ना ही लोग सांपों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि ये गाँव सपेरों का ही है जहाँ हर घर में सांप ही पाला जाता है। सुबह शाम दिन और रात सिर्फ सांप ही सांप। से सालों से सांप निखरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मानते में बच्चे लोग खेलते हैं। यहाँ सांप निखर के खाना बनाते में रसोइयां भी निखर जाते हैं, झाड़ू भी लगाते में निखर जाते हैं। इसको ले जाते हैं, सूजी की कृपा से हम लोग को कोई चीज के नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एक गांव जहां सिर्फ और सिर्फ सांपों का बोलबाला है और सांपों को जो पालने वाले लोग हैं उनके अंदर, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, किसी को भी सांप से डर नहीं लगता और बच्चों को सांपों से इस कदर खेलते देखा जाता है जैसे वो कोई सांप ना होकर गुड्डे गुड़िया की तरह कोई और खिलौना हो। लेकिन सबसे बड़ा जो एक सबक लेने का काम है कि अगर आप प्यार की भाषा समझते हैं तब आप ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी जीव जंतु से खतरा नहीं है, क्योंकि जब हम रिश्ता बनाते हैं उसका जो आधार होता है, उसकी जो बुनियाद होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। यही कारण है कि सांपों को पालने वाले ये मोहल्ले के लोग बहुत ही सुरक्षित मानते हैं खुद को और बच्चों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि उनके हाथ में किस तरह का विषैला प्राणी है। इतना सांप देखकर कोई भी घबरा सकता है, लेकिन यहाँ बच्चे भी एक्सपर्ट हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र में एक महिला ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे शादी का झांसा देकर बंगाल से मुरादाबाद लाया गया, लेकिन आरोपी ने उसे देह व्यापार में उतार दिया। शादी की बात तो दूर, जब महिला ने अपने घर जाने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया और फरार भी हो गया। पीड़िता को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी का नाम गोपाल बताया जा रहा है। पीड़िता की माने तो आरोपी गोपाल के साथ तीन और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। मझोला पुलिस को आज सुबह लगभग 10 बजे सूचना मिली थी कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला पति ने अपनी पत्नी को चाकू मार दी थी। पत्नी को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, उसकी हालत ठीक है। डॉक्टरों ने बताया कि वो खतरे से बाहर है।
यहाँ तक झगड़ा के कारण का प्रश्न है। जो जानकारी में पुलिस को पता चला है कि पति पत्नी को मायके जाने से रोक रहा था, पत्नी जिद कर रही थी मुझे मायके जाना है, इस बात पे दोनों में लड़ाई हुआ और पति ने पत्नी को चाकू मार दिया। इसमें कुछ और बातें जैसा कि मीडिया के द्वारा पता चल रही है, अवैध संबंध या अवैध धंधे की बात, इस बारे में परिवार के द्वारा या पड़ोसियों के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। फिर भी अभी हमारी जांच जारी है, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना में अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसके हिसाब से कर लेंगे। मुझे ऐसे रख रख के शादी कराना इसने और धंधा करवाता है मुझे, और मैं पुलिस की नाम लेती हूँ तो कहते तुझे जान से मार के नाले पे दबा देंगे। अच्छा, कहाँ से लेकर आए थे आपको? मैं स्टेशन में रो रहा था तो वहाँ से लेकर आए काम के बहाना से। कहाँ तक, कौन से प्रदेश से लेकर आए थे? कलकत्ता से। कब लेकर आए थे? हो गया 7-8 साल हो गया। अच्छा, फिर शादी की आपसे इन्होंने? शादी नहीं की, ऐसे ही रख रहा धंधा करवाता है जी मुझे। क्या नाम है आपके उसका? गोपाल नाम है। तो फिर आज क्या घटना घटी आपके साथ? आज सवेरे कल फसला हो गया, पुलिस वाले ने दारोगा ने कह दिया कि तुम घर जाओ अपनी मैं के चली जाओ, तुम जहाँ मैं अपनी मैं के चली जाऊंगी, तो इसने मुझे चक्कू मार दिया सवेरे। और उसे कहा कि एक गुरुजी है और गुरुजी शामिल है और उसे कृपाल शामिल है और उसे कहा कहते एक बकरी। जब प्यार में हो खोट तो दिल पे लगती है चोट, जब प्रेमी बनकर कोई अपनी प्रेमिका के साथ इस तरह की हरकत करता है तो समझा जा सकता है कि वो प्रेम कितना खोखला झूठा है और प्रेम को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन सच है। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी को 3 बाइक सवार बदमाश गन पॉइंट पर लेकर 2 किलो सोना और 1 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की माने तो वो गोल्ड लेकर घर वापस जा रहा था, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे धक्का देकर गन पॉइंट पर लेकर गोली मारने की धमकी दी और स्कूटी में रखा 2 किलो सोना और 1 लाख रुपए का कैश लेकर सब के सब फरार हो गए। व्यापारी का कहना है कि तीनों बदमाशों ने अपने चेहरों को ढक रखा था जिससे कोई पहचान में नहीं आया। वहीं मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और बदमाशों को पकड़ने के लिए हमने टीमें भी बना दी हैं। टांडे से वापसी आ रहा था, अपने बिजनेस है जीव जी का, और टांडे से जैसे राणा मिल से आगे आगे थोड़ा सा और आगे आगे सिर्स में से पहले वहाँ पे 3 बाइक सवार आए पीछे से और उन्होंने मुझे धक्का दिया। मैं एक्टिवा हांडा से था बाइक से और मैं गिर गया वहाँ पे और उन्होंने मुझे तमंचा निकाल के मेरे ऊपर लगा दिया और बुला के पीछे हट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। और जैसे मैं पीछे हटा उन्होंने मेरी चाबी निकाल के एक्टिवा की और मेरी डिक्की वगैरह भी खोलनी शुरू कर दी। डिक्की में कोई सामान आया हम देखेंगे, डिक्की में दोनों डिक्कियां 2 डिक्कियां मेरी गाड़ी में दोनों खोल ली। फिर मैं जेब पटोलनी शुरू कर दी, जेब में भी माल है कुछ, तो जेब में कुछ नहीं, पैसे वैसे थोड़े बहुत थे मेरे, तो मतलब बैग वैग जो भी था वो सारा कुछ मेरा ले गए। कितना माल था, कितना गोल्ड था आपको? सर वैसे तो हम थोड़ा बहुत करते काम, लेकिन इन दिनों त्योहार के टाइम से इधर उधर से पकड़ के माल अपनी पार्टियों से लेके करीब 2 किलो के आसपास लेवर था, 1 लाख रुपए कैश भी था उसमें, तो कुछ ऑर्डर थे ऐसे सब मामला जो है सारा लेके। क्या पहचानते हैं आप उन लोगों? उन लोगों ने तीनों ने अपने मुंह बांधे हुए थे, बस इतना ही पता चलता था कुछ नहीं। ये एक मंजीत सिंह नाम का व्यापारी है और ये मुख्यतः अमृतसर का रहने वाला है। यहाँ पर ये किराए का मकान लेकर के रहता है, टू फ्रो आता जाता रहता है और वहाँ से सामान लेकर के आते हैं। यहाँ पर जैसे दुकानदारों को इन्होंने सामान दिया, पुराना सोना ले लिया, नया सोने का सामान दे दिया और सामान अगर ज़्यादा किसी ने दिया तो उसके बदले इनको पैसे दे देते हैं, इस तरह का काम करता है। ये अकेला व्यक्ति स्कूटी से जा रहा था, इसको ओवरटेक करके 2 मोटरसाइकिलों से लोगों ने इसको ओवरपावर कर लिया और इसकी डिक्की में जो सामान था वो सब छीन लिया। कितना सामान बताया गया, कितने कीमत? अब अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है, प्रारंभिक जानकारी के आधार पर लगभग 2 किलो के आसपास वो बता रहा है सामान होगा। उसका भी वो आदमी थोड़ा परेशान है, घबराया हुआ, अपना अकाउंट भी नहीं उसने अपना टैली किया है, तो लगभग ऐसा बता रहे हैं कि 2 किलो के आसपास होगा। 2 किलो गोल्ड की बात हो रही है जी सर, कुछ नगद?
हाँ, 1,00,000 रुपए नगद। मैंने बताया ना कि अभी अकाउंट टैली नहीं किया उस व्यक्ति ने, चूंकि उसका एक नुकसान हुआ है तो वो आदमी थोड़ा परेशान भी है, लेकिन लगभग ये उसने बताया इतनी चीजें होंगी। क्या पुलिस ने किसी को ट्रेस किया है? कुछ नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास में नहीं है, और कई टीमें लगी हैं, सभी हमारे अधिकारी फील्ड में हैं, सब जानकारी कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर गया था, कहां पर इसने सामान एक्सचेंज किया है। तो आपके अपनों का हाल जो होता है, हम आपके गांव घर और घर से लाते हैं, आपके शहर से लाते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप अपने घर को और अपने गांव को महसूस कर सकते हैं। उसके लिए बस रोज देखना होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं, आप आराम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम।